लूट में फर्जी बरामदगी कर जेल भेजने का मामला। कानपुर में सीएम योगी के आदेश की हुई अवहेलना। सीएम योगी के आदेश के 3 साल बाद भी नहीं दर्ज हुआ मुकदमा। सीएम का आदेश लेकर 3 साल से भटक रहा दरोगा दयाशंकर। नमस्कार, मैं हूं सीके सिंह और आप देख रहे हैं अखंड हिंद न्यूज, बात देश की बात देश सिद्ध की। कहते हैं चोर अपनी चोरी चाहे जितनी सतर्कता से करे, लेकिन कानून के लंबे हाथों से चोर बच नहीं सकता। और यदि आरोपी कोई स्वयं ही कानून का रखवाला हो तो क्या ही कहने हैं। आज कुछ ऐसा ही प्रकरण लेकर आए हैं आपके सामने, जहां 2014 में लूट के मामले में पुलिस ने फर्जी बरामद की कर 3 को जेल भेज दिया था। बर्रा में तैनात तत्कालीन दरोगा दयाशंकर ने अपने ही विभाग की खोली पोल। 2014 में लूट के मामले में पुलिस ने फर्जी बरामद की कर 3 को जेल भेजा था। तत्कालीन इंस्पेक्टर संजय मिश्रा समेत दरोगा वीरेंद्र शीतला प्रसाद व प्रमोद सिंह ने भेजा था जेल। ज्वेलरी शॉप से जेवर लेकर खरीद कर पुलिस ने स्वयं दिखाई थी बरामदगी। पुलिस कमिश्नर आसिम अरुण ने साक्ष्य व मुख्यमंत्री के आदेशों को देख कर दिया मुकदमे का आदेश। तत्कालीन इंस्पेक्टर व दरोगाओं ने मनोज गुप्ता, मोनू सिंह और नीतू नाई को फर्जी भेजा था जेल। बर्रा थाने में तैनात तत्कालीन इंस्पेक्टर और दरोगाओं ने भेजा था जेल। देखें एएचएन की विशेष रिपोर्ट। मैं एसआई दयाशंकर वर्मा, थाना नजरेवाल, जेके मंदिर में हूँ, जिला कानपुर नगर है मेरा, मैं वहाँ पर तैनात हूँ और मेरा 6 साल करीबन हो गई। मैं बराबर अपनी ईमानदारी पे, सच्चाई पे लड़ रहा हूँ। सभी पुलिस अधिकारियों के पास मैं निवेदन करता घूमते हूँ। 2014 की बात है, वहाँ पर जो है मुकदमा अपराध संख्या 507/2014 में एक लूट हुई थी ललित सोनी की, जिसमें आजी आशुतोष पांडे द्वारा कहा गया था कि हर दशा में, संजय मिश्रा ऐसे थे उस समय, उनको कहा गया था कि हर दशा में किसी भी तरह से वो लूट खोलना है। संजय मिश्रा ने आदेश दिया सभी लोगों को, संजय मिश्रा, पीन प्रताप सिंह, शीतला प्रसाद, प्रमोद कुमार सिंह, मैं स्वयं साथ में गया। सबसे पहले 2 मुलजिम शीतला प्रसाद, पीन प्रताप सिंह ले आए, मेरी निगरानी में सुपुर्द कर दिया गया था। निगरानी सुपुर्द करने के बाद मैं उनकी सुरक्षा करता रहा। थोड़ी देर के बाद में पीन प्रताप सिंह आए तो उसकी कहा कि विनोद गुप्ता की माँ और मामी आई हुई है, वो 10,000 रुपये लिए है, उसको ले लो। ठीक, ले आओ। मैं जा करके उनसे ले लिया, कहा छोड़ो इसको, कहा फिर इसके बाद कहा कि भाई इसकी तलाशी तो ले लो। हमने कहा जी सर, तलाशी लिए तो 4,000 रुपये निकले, 1,000 रुपया उसने मांगे तो वापस कर दिए प्रेम प्रताप सिंह ने। अब एक आदमी विनोद गुप्ता छूट गया, माँ और मामी के साथ चला गया, बचा नीतू मनु सिंह को हम कहा या संजय मिश्रा ने कहा कि भाई इसको लेके आओ थाने। मैं थाने लेके गया तो वहाँ बर्रा चौकी पड़ती थी, वहाँ पर बैठे, वहीं पर ले गए। वहाँ पर एक आदमी और बैठा था, उसका नाम पता नहीं जानते हैं। थोड़ी देर के बाद में नीतू नाई अपने बाल बच्चों के साथ आ गया। आने के बाद में उसको बैठा दिया और जो बैठा हुआ था मालूम चला कि उसका बहनोई है, उसको लेके वापस कर दिया। बगैर पैसे का कोई उससे पैसा नहीं लिया गया था, सीधे छोड़ दिया। इसके बाद जो है इनको मारा पीटी रात के, संजय मिश्रा, वीर प्रताप सिंह, शीतला प्रसाद, प्रमोद कुमार सिंह ने, संजय मिश्रा कौन था, ऐसो थे संजय मिश्रा, उन्होंने पट्टा डंडा से मार पीट करके, जब नहीं बकरे तो उनको नाक में पानी डाल करके, तो मनु सिंह बोला कि साहब ऐसा ना मारो, हमें आप ले चलो वहाँ पर, मनोज हमारा मालिक है, मैं उसका टेम्पो चलाता हूँ, उससे जो पैसा होगा लूट का सामान का, जितना पैसा होगा जितना हम लगवा देंगे, परंतु हम उसको धीरे धीरे भर देंगे, परंतु मुझे वहाँ ले चलो। एक गाड़ी, सरकारी गाड़ी से हम वीर प्रताप सिंह, शीतला प्रसाद और मनु सिंह, चारों लोग गए। टेलीफोन से बात भाई तो मनु सिंह बोला साहब हमारी बात तो नहीं हो पा रही, आप अपने मोबाइल से और मनोज को बुलवा लो, वो तुम्हारे भाई, तुम्हारा विश्वास है क्योंकि तुमने उसके भाई को छुड़वाया है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उसके कहे अनुसार 5-50,000 की बात कही है, उसकी टेप रिकॉर्डिंग हुई है, मेरे खिलाफ़ मुकदमा लिखवा दिया मधु गुप्ता ने मेरे खिलाफ़ मुकदमा लिखवा दिया। तो लेकर के मैंने जब बाद में जब ये मालूम चला उसको, मुकदमा किन धाराओं में आपके ऊपर, मुकदमा 517/2014 304/306 का मुकदमा पंजीकृत हुआ। मधु गुप्ता को पति जब लौट करके वहाँ जमात से आया तो उसने कहा तुमने ये क्या किया, वर्मा जी खिलाफ़ क्यों लिखा दिया मुकदमा, तो संजय मिश्रा, वीर प्रताप सिंह, प्रमोद कुमार, शीतला प्रसाद के खिलाफ लिखाना चाहिए। तो जब उसके पति ने कहा तो उसने एफिडेविट दे दिया जा करके वहाँ कोर्ट में
कि साहब हमारा इनका कोई दोष नहीं है, दोषी तो है फलाने फलाने आदमी हैं, इसका एफिडेविट भी मेरे पास मौजूद है। फिर जब ये इनको सबको जेल भेजने लगे तो माल जब सील हो गया तो एक कट्टा जो है अमर सिंह सिपाही ले आया था वहाँ से गंगा घाट चौकी से, एक विजय मुंशी ने कट्टा उससे निकाल के दिया था, 5500 की 5700 की तोड़ियाँ हम वीर प्रताप प्रमोद कुमार हम और शीतला प्रसाद और का नाम प्रमोद वो गुप्ता बर्राट का वो लेकर के गए, तोड़ियाँ ले आए वहाँ से दवोली से, दवोली से तोड़ियाँ ले आए, 5700 की होती थी 5500 की दे दी उसने। किन किन ज्वेलर्स की दुकान से ये चीज़ें ली गई थी? ये वहीं का दवोली का है, प्रदीप ज्वेलर्स, प्रदीप ज्वेलर्स बर्राट का भी है जिसको जो साथ में गया था, और प्रदीप ज्वेलर्स वहाँ का भी है, ठीक है। उसका जो है उसकी यहाँ से काली मठिया के पास से ज्वेलर्स लिया गया था, लेने के बाद में कट्टा एक अमर सिंह ले आती एक विजय मुंशी दिया था, पूरा माल एटक करके थाने में लिखा पड़ी हुई थी, वहीं पर सील किया गया था, सील करने के बाद उनको जेल भेज दिया था। इसके बाद जो मुकदमा बारी था, मुकदमा 507/2014 का 392 लूट का, उसके बाद ही का नाम ललित सोनी है, उसको बुलाया गया, बुलाने के बाद में उसने जब माल देखा उसने तस्कर बनाने से इनकार किया, पंच पुलिस ने जबरदस्ती उससे तस्कर बनवा लिए। जब उससे ये खिन्न हो गया कि भाई ये फर्जी क्यों भेज रहे थे इन आदमी को जेल, मनोज को, नीतू को और मनोज सिंह को क्यों जेल भेज रहे हो, जब मेरा माल नहीं तो ऐसे फर्जी लूट खोल रहे थे, हम तस्कर नहीं बनाएंगे। फिर जब उससे जबरदस्ती तस्कर मान लिए तो वो भी गया एफिडेविट दे करके, शपथ पत्र दे करके, उसने भी ले करके मतलब नहीं वो किया। जब हमारा ये 2014 से 16-17 तक में भागता भागता सभी पुलिस अधिकारियों के पास गया, नहीं किसी की सुनी, तो आज जो है फिर मैं सीपी वहाँ सीएम साहब के गया। सीएम साहब के यहाँ कब गए थे आप? 2017 में सीएम साहब के यहाँ गए, तो वहाँ पर सीएम साहब मिले और वहाँ पर बगल में मंत्री कोई थे, बलराज थे, क्या नाम था उनका नहीं नाम जानते हो, वहीं आईपीएस कोई था, उनको लेकर के हाल कल मेरी पत्नी बीमार थी वैसे लेटी हुई थी, मेरे बच्चे भी थे, उन्होंने तुरंत लगे कहा इनको FIR दर्ज कराइए, पूरी मामला देखा, रिकॉर्डिंग भी सुनी थी उन्होंने मंत्री जी ने, कहा ठीक है इसको जो है मुकदमा पत्र कराइए, हाल मुकदमा पत्र कल कहा ठीक है जल्दी जाओ पत्नी को इलाज कराइए। मैं वहाँ से सीधा चला आया, फिर भी मैं सीएम साहब के दरबार से मुकदमा कायम के लिए आदेश FIR का आदेश हुआ, सीएम साहब ने स्वयं कहा था, उन्होंने आदेश किया था, और 17 से लेकर के 21 तक 2021 तक मैं बराबर दौड़ता रहा, किसी सीएम के आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, किसी ने कार्रवाई, सीएम साहब के आदेश को तो लोगों ने टुकड़िया बना लिया था, परंतु मैंने जब अपनी पूरी कहानी 25/10/2021 में सीपी महोदय श्री असीम अरुण साहब के पास मैंने अपना निवेदन प्रस्तुत किया और सीएम साहब के आदेश को दिखाया, उन्होंने कहा अरे भाई ऐसे अब तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई, तो उन्होंने हल्का कार्रवाई के लिए आदेश दिए, मनीष कुमार सोनकर साहब जो है ADCP हैं, उन्होंने जांच कर रही हैं, उन्होंने कहा कि मैं 30 तारीख को हर दिशा में इसकी वो कर दूँ, परंतु मैं इतनी जरूर करूँगा कि अखिलेश सरकार में मेरा जो है मेरे खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी, परंतु सीएम महोदय ने हमको न्याय दिया था जिसमें FIR के लिए सच्चाई के ऊपर हुआ था, मतलब पुलिस दिया था, लेकिन निचले अधिकारियों ने उसको अधिकारी पुलिस के अधिकारी जो SSP DIG IG थे उन लोगों ने सीएम साहब के आदेश को बिल्कुल ढक्कन कर दिया था, सबका साथ सबका विकास उन्होंने सब लेकर के SSC कर दी थी, ये जो है। परंतु मुझे सीएम साहब के यहाँ से मुझे न्याय मिला था और पुलिस अधिकारी बिल्कुल पूर्णतः दोषी हैं, उन्होंने ये नहीं देखा, तुरंत आदेश FIR के दिया। आपके इस प्रकरण में कौन कौन दोषी हैं तत्कालीन उस समय के, आपके जब आपका ये प्रकरण हुआ था 2014 से लेके जितने भी SSP रहे और जितने थाना अध्यक्षों ने मेरी जाँच की रिपोर्ट लगाई है वो सभी दोषी हैं, जो SO रहे हैं हम सबके पास, जब कोई नया पहुंचा नया SP आया मैं सबके पास गया हूँ और सीएम साहब के आदेश को दिखाया, परंतु सीएम के आदेश को किसी ने कोई वो नहीं किया, तवज्जो नहीं दिया जी। क्या चाहते थे क्या नहीं चाहते थे ये लोग हमें ये नहीं समझाता है, क्या सीएम साहब के आदेश को कुछ नहीं मानते हैं? तो आपको क्या लगता है अब आगे न्याय मिलेगा आपको? अब न्याय मिलेगा, ठीक है। सीपी महोदय ने आदेश दिया है तो न्याय मिलेगा, क्योंकि दोनों सीपी साहब भी ईमानदार अधिकारी हैं और मनीष कुमार सोनकर साहब भी ईमानदार अधिकारी, मुझे पूर्ण विश्वास है। ये तो आपको 2017 से बताया जा रहा है कि अब आपकी जांच चल रही है, हो रहा है, अगर इसके बाद भी नहीं होता तो आप क्या करेंगे फिर? मैं आपने क्या करेंगे फिर? मैं तो मेरी पत्नी मर गई, मैं भी मर जाऊंगा और क्या करूंगा।